दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि भाई सीएस रैंक में अपने कॉम्बिनेशन के अंदर पैसिव कैरेक्टर को चूज करना जितना इंपॉर्टेंट होता है उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए एक बेस्ट एक्टिव कैरेक्टर को चूज करना होता है। और यहाँ पर गाइस बहुत सारे प्लेयर्स गलतियां करते हैं कि उनका जैसा गेम प्ले है, जैसा गेम स्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने लिए एक बेस्ट एक्टिव कैरेक्टर चूज नहीं कर पाते। तो डोंट वरी गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपके रोल और आपके गेम स्टाइल के अकॉर्डिंग आपके लिए सबसे बेस्ट एक्टिव कैरेक्टर, जिसको अगर आप लोग सीएस रैंक के अंदर यूज करोगे तो उससे आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आज इस वीडियो को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसके अंदर सबसे पहले पार्ट के अंदर आपको मैं बताने वाला हूं कि सपोर्टर रोल के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट एक्टिव कैरेक्टर कौन सा होने वाला है। सेकंड पार्ट के अंदर आपको बताने वाला हूं कि अगर आप लोग रसर हो तो आपके लिए कौन सा बेस्ट कैरेक्टर होने वाला है, और साथ ही में अगर आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हो या फिर आप एक ऑलराउंडर हो तो फिर आपको कौन से एक्टिव कैरेक्टर के साथ खेलना चाहिए। ये सभी चीज आपको वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग शुरुआत करें फर्स्ट पार्ट से, जिसके अंदर मैं सपोर्टर रोल के लिए बेस्ट एक्टिव कैरेक्टर बताने वाला हूं, और इसके अंदर टोटल चार कैरेक्टर्स हैं जिसको आप लोग यूज कर सकते हो अगर आप लोग एक सपोर्टर हो। अब सीएस रैंक के अंदर सपोर्टर रोल का मेरा मतलब ये है कि भाई अगर आप लोग अपनी टीम को लॉन्ग रेंज से कवर देते हो, या फिर आप लोग लॉन्ग रेंज फाइट अच्छा करते हो, या फिर आप लोग अपनी टीम के लिए फ्लैंक करते हो, तो वहां पर आप लोग इन चारों में से किसी एक कैरेक्टर को चूज कर सकते हो। तो इसके अंदर सबसे पहला जो हमारा कैरेक्टर है वो है गाइस डिमिट्री कैरेक्टर, जिसके एबिलिटी को यूज करने से आपको दो दो बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि इसके एबिलिटी को यूज करके आप अपने 75 एचपी को रिकवर कर सकते हो, और दूसरा और सबसे मेन बेनिफिट ये है कि भाई अगर आप और आपका टीममेट इसके हीलिंग जोन के अंदर रहते हो ना, तो भाई आप अपने आप को सेल्फ रिवाइव भी कर सकते हो। और साथ ही में भाई इसका जो कूल डाउन टाइम है वो भी सिर्फ 60 सेकंड का है, मतलब ऑलमोस्ट आप लोग हर राउंड के अंदर इसके एबिलिटी को यूज कर सकते हो। अब इसके एबिलिटी को यूज आप लोग कैसे कर सकते हो, तो देखो भाई जब भी आप लोग लॉन्ग रेंज से अपने एनिमी को डैमेज दोगे, फायर दोगे, तो तब अगर आप लोग इसके एबिलिटी को यूज करोगे तो आपका भाई एचपी भी रिकवर होता रहेगा, और अगर एनिमी आपको डाउन कर देता है तो वहां पर आप अपने आप को सेल्फ रिवाइव कर सकते हो। और इसका जो सबसे बेस्ट बेनिफिट है ना भाई, वो लॉन्ग रेंज के अंदर ही होता है, क्योंकि भाई वहां पर ना एनिमी डाउन करने के बाद आपको कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो वहां पर अगर आप लोग डिमिट्री की एबिलिटी को यूज करोगे तो आप अपने आप को सेल्फ रिवाइव करके एनिमी के ऊपर काउंटर अटैक कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है गाइस हमारी आयरिस कैरेक्टर, जिसके एबिलिटी को यूज करके आप लोग एनिमी को ग्लू वॉल के आर पर मार सकते हो, वो भी किसी भी गन से। तो बेसिकली इसके एबिलिटी को यूज करने के बाद अगर आप लोग 15 सेकंड के अंदर किसी भी ग्लू वॉल के ऊपर फायरिंग करते हो, तो अगर उसके पीछे कोई भी एनिमी होगा तो उसके ऊपर मार्क आ जाएगा, जिसके ऊपर आप लोग ग्लू वॉल के आर पर डैमेज दे सकते हो। और यहां पर अगर आप लोग लॉन्ग रेंज से अपनी टीम को कवर दे रहे हो, तो वहां पर अगर आप लोग किसी भी एनिमी को डैमेज देते हो या फिर किसी भी एनिमी को देखते हो और वो ग्लू वॉल लगा लेता है, तो आप लोग इसका एबिलिटी यूज करके आराम से एनिमी को ग्लू वॉल के आर पार मार सकते हो। तो अगर आप लोग अपने टीममेट को लॉन्ग रेंज से कवर देते हो मार्क्समैन राइफल या फिर स्नाइपर से, तो वहां पर गाइस आयरिस का जो एबिलिटी है वो भी काफी यूजफुल है। तो अगर आप लोग सपोर्टर हो तो आप लोग अपने कॉम्बिनेशन के अंदर आयरिस को भी शामिल कर सकते हो। अब गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूं। तो यहां पर गाइस हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट 92% बंदे ऐसे हैं जो कि हमारे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो भाई ऐसा क्यों करते हो, गरीब के पेट पे लात क्यों मारते हो? तो भाई यार ऐसा मत किया करो, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए, बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, बस आपके एक दो सेकंड लगेंगे लेकिन इससे हमें काफी बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है गाइस क्रोनो कैरेक्टर, और ये शॉर्ट रेंज के अंदर तो भाई यूजफुल है ही, लेकिन लॉन्ग रेंज के अंदर भी अगर आप लोग इसको यूज करोगे तो ये आपके काफी काम आने वाला है, क्योंकि यहां पर अगर कोई भी एनिमी आपको नेड करता है तो आप इसके एबिलिटी को यूज करके उसको डॉज कर सकते हो, और साथ ही में अगर आप लोग फ्लैंक करते हो या फिर लॉन्ग रेंज से कवर दे रहे हो अपने टीममेट को, और वहां पर अगर कोई भी एनिमी आपको देख लेता है और आपको डैमेज दे देता है, तो आप इसके शील्ड को ऑन करके अपने आप को बचा सकते हो। तो अगर आप लोग एक सपोर्टर हो और साथ ही में सेफ गेम खेलना पसंद करते हो, तो आपके लिए क्रोनो कैरेक्टर एक बेस्ट कैरेक्टर होने वाला है, क्योंकि गाइस यहां पर लॉन्ग रेंज के अंदर कोई भी एनिमी आपके शील्ड के अंदर नहीं आने वाला है, और अगर एनिमी आपके ऊपर नेड या फिर गोलियां चलाता है तो भाई उससे भी आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई आपके पास एक पावरफुल शील्ड होगा जिससे आप लोग किसी भी सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सकते हो। और इसके अलावा अगर कोई भी टीममेट आपका डाउन पड़ा हुआ है और एनिमी उसको कंप्लीट करने के लिए नेडिंग या फिर फायरिंग कर रहा है, तो आप अपने शील्ड का यूज करके अपने टीममेट को काफी इजीली रिवाइव कर सकते हो, जिसके बाद आप लोग मिलकर उसके ऊपर काउंटर अटैक कर सकते हो। और क्रोनो के बाद जो हमारा लास्ट कैरेक्टर है सपोर्टर रोल वालों के लिए वो है गाइस हमारा के कैरेक्टर, और ये भी उनके लिए बढ़िया होने वाला है जो कि सेफ गेम प्ले करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसके एबिलिटी को यूज करके ये आपको ऑटोमेटिकली ईपी प्रोवाइड करता है, और सीएस के अंदर वैसे ही आपको ईपी मिल जाता है, तो वहां पर आपको ईपी की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और उसके बाद इसका एक और एबिलिटी आपको ये मिलता है कि आप लोग उस ईपी को एचपी में 600% के स्पीड से कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब कि आप अपने एचपी को रिकवर कर सकते हो। तो इसके एबिलिटी को यूज करने से अगर आप लोग लॉन्ग रेंज के अंदर से फायरिंग दे रहे हो, कवर दे रहे हो, तो वहां पर अगर एनिमी आपको डैमेज देता है तो यहां पर गाइस आपका एचपी भी रिकवर होता रहेगा, और साथ ही में आप लोग उसके ऊपर फायरिंग भी करते रहोगे, मतलब एक साइड आपका एचपी रिकवर होगा और एक साइड आप लोग दूसरे एनिमी के ऊपर डैमेज दे पाओगे, मतलब कि आपका एक ही टाइम के अंदर दो काम हो जाएगा, जिससे कि आप लोग किसी भी एनिमी को सामने वाले एनिमी को इजीली डाउन कर पाओगे। तो ये थे गाइस वो कैरेक्टर्स जिनको आप लोग यूज कर सकते हो अगर आप लोग लॉन्ग रेंज के अंदर से अपने टीममेट को कवर देते हो या फिर फ्लैंक करते हो,
तो आप लोग इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। सो अब अगर हम मूव करेंगे इस पार्ट टू की तरफ, जिसके अंदर हम लोग जानने वाले कि रसर्स के लिए बेस्ट एक्टिव कैरेक्टर्स कौन से होने वाले। लेकिन उससे पहले गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग अपनी टीम के रसर हो या फिर सपोर्टर हो। तो रसर्स के लिए जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो है गाइस हमारा आलोक कैरेक्टर, जिसके अंदर अगेन आपको दो दो एबिलिटीज देखने को मिल जाएंगे, दो दो बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर सबसे पहला बेनिफिट ये है कि भाई इसका एबिलिटी यूज करके आपको 30 HP मिल जाएगा और साथ ही में आपको 15% का मूवमेंट स्पीड भी मिलेगा। अब हालांकि गाइस आलोक हमें पहले 50 HP प्रोवाइड करता था, बट अपडेट के बाद सिर्फ 30 HP ही प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके अंदर हमें जो 15% का मूवमेंट स्पीड देखने को मिलता है ना, वो रसर्स के लिए काफी यूजफुल होता है। और इसके साथ ही भले आपको 30 HP मिले, लेकिन जो भी मिलेगा आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होने वाला है। तो अगर एज अ रसर आपको HP और मूवमेंट स्पीड दोनों साथ में चाहिए, तो आप लोग एक्टिव कैरेक्टर के अंदर आलोक को यूज कर सकते हो। अब आलोक के बाद जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है गाइस तत्सुया कैरेक्टर, जिसके एबिलिटी को यूज करके आप अपने स्प्रिंटिंग स्पीड को रैपिड फास्ट कर सकते हो। तो बेसिकली तत्सुया कैरेक्टर के एबिलिटी को यूज करने से 0.3 सेकंड के लिए आपका जो स्प्रिंटिंग स्पीड है वो काफी फास्ट हो जाता है, जिससे कि आप लोग एनिमी के ऊपर इजीली रश भी कर सकते हो। अगर एनिमी आपके ऊपर नेड करे तो आप लोग ग्रेनेड को डॉज भी कर सकते हो, और अगर दो तीन एनिमी आपके ऊपर रश कर रहा है तो तब भी आप लोग तत्सुया का एबिलिटी यूज करके उनको डॉज करके आराम से मार सकते हो। जैसे आप लोग बैकग्राउंड क्लिप के अंदर देख भी सकते हो, यहाँ पर दो तीन एनिमी मेरे साइड से रश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने एकदम सही टाइम पे तत्सुया का एबिलिटी यूज किया और उनसे बच गया और आखिर में जाके उनको मार भी दिया। और इसके अलावा अगर आपको एनिमी के ऊपर रश करना है तब भी आप इसको काफी अच्छे से यूज कर सकते हो, और एज अ रसर अगर आपके पास इतना स्प्रिंटिंग स्पीड होगा तो भाई आप तबाही मचा दोगे। सो तत्सुया के बाद जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है गाइस हमारा होमर कैरेक्टर, जिसको आजकल बहुत सारे बंदे सीएस के अंदर यूज कर रहे हैं, जिसके एबिलिटी यूज करके आप एनिमी के मूवमेंट स्पीड को 60% और फायरिंग रेट को 35% तक कम कर सकते हो। अब इसको यूज करने से बेनिफिट क्या होगा, तो बेसिकली गाइस रश करने से पहले अगर आप लोग इसके ड्रोन को रिलीज कर दोगे तो ये जैसे ही एनिमी पे जाकर हिट होगा तो उसका मूवमेंट स्पीड और फायरिंग रेट कम हो जाएगा, जिससे वो ना सही से फायरिंग कर पाएगा और ना ही सही से मूवमेंट कर पाएगा, जिससे आप लोग सामने वाले एनिमी को काफी इजीली डाउन कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई आजकल बहुत सारे बंदे सीएस के अंदर होमर को यूज कर रहे हैं, तो अगर आप भी इसको अच्छे से यूज करोगे तो भाई आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, क्योंकि भाई आप खुद ही सोचो कि इससे आप लोग एनिमी का मूवमेंट स्पीड और रेट ऑफ फायर को ऑलमोस्ट हाफ कर देते हो, तो ऑब्वियसली भाई आपको बेनिफिट मिलेगा और आप लोग किसी भी फाइट को इजीली जीत भी पाओगे। सो अब होमर के बाद जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है गाइस सेंटिनो कैरेक्टर, और ये सिर्फ उनके लिए है जिनको रिस्क लेना अच्छा लगता है। अब देखो भाई इसकी एबिलिटी को यूज करके ना आप लोग टेलीपोर्ट कर सकते हो, जिससे कि आप लोग एनिमी को डैमेज देके या फिर नॉक करके तुरंत से अपने जगह पर टेलीपोर्ट हो सकते हो, जिससे कि एनिमी टोटली सॉक्ड हो जाएगा। जैसे कि आप लोग मेरे बैकग्राउंड गेम प्ले के अंदर देख भी सकते हो, यहाँ पर मैंने एनिमी के ऊपर रश किया, उसको डाउन किया और सेफली अपनी जगह पर टेलीपोर्ट भी हो गया। और ऐसे गाइस आप इसके पुतले को आगे भेजकर भी एनिमी के ऊपर रश कर सकते हो, और इसके साथ ही और भी टिप्स एंड ट्रिक्स है, अगर आप लोग कहोगे तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप लोग रसर हो, आपको अच्छे से सेंटिनो कैरेक्टर यूज करना आता है, तो आप लोग सीएस के अंदर इसको भी यूज कर सकते हो, ये काफी खतरनाक कैरेक्टर है। अब सेंटिनो के बाद जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है गाइस हमारा क्रोनो कैरेक्टर, जिसको बहुत सारे रसर्स भी यूज करते हैं, लेकिन हाँ इसको यूज करना थोड़ा रिस्की रहता है, क्योंकि भाई शॉर्ट रेंज के अंदर ना इसका शील्ड है तो काफी यूजफुल, मतलब कि आप लोग शील्ड से बाहर निकलकर भी मार सकते हो, शील्ड के अंदर बुलाकर भी एनिमी को मार सकते हो, लेकिन यहाँ पर ना अगर शॉर्ट रेंज के अंदर फाइट कर रहे हो तो यहाँ पर एनिमी आपके शील्ड के अंदर भी आ सकता है और आपको आकर वो शील्ड के अंदर मार भी सकता है, तो यहाँ पर आपका चाल आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। लेकिन हाँ बहुत सारे बंदे इसको यूज करते हैं, अच्छे से यूज करते हैं, तो अगर आपको भी अच्छे से क्रोनो कैरेक्टर को यूज करना आता है तो एज अ रसर आप लोग क्रोनो को भी यूज कर सकते हो। लेकिन इन सबके अलावा जो हमारा सबसे बेस्ट एक्टिव कैरेक्टर है रसर्स के लिए वो है गाइस हमारा वुकोंग कैरेक्टर, जिसका एबिलिटी यूज करके आप लोग बुश में कन्वर्ट हो सकते हो, और इसका एबिलिटी यूज करके आप लोग इजिली 1v2 1v3 1v4 तक क्लच कर सकते हो, क्योंकि भाई इसके एबिलिटी को यूज करने के बाद ना एनिमी का डिफॉल्ट एम आपके बुश के ऊपर काम नहीं करता, जिसका फायदा उठाकर आप लोग एनिमी को इजिली डाउन कर सकते हो, और साथ ही में आपको इसके अंदर एबिलिटी रिसेट सिस्टम मिलता है, मतलब कि आप बस बंदे को डाउन करो तुरंत आपका जो एबिलिटी है वो रिसेट हो जाएगा, और इसी चीज का फायदा उठाकर आप लोग इजिली 1v2 1v3 यहां तक कि 1v4 तक क्लच निकाल सकते हो। तो अगर आप लोग भी एक रसर हो, एनिमी को घुसकर मारना पसंद करते हो, तो गाइस आपके लिए ये वुकोंग कैरेक्टर वन ऑफ दी बेस्ट कैरेक्टर होने वाला है, और ये इजी टू यूज भी है, मतलब इसको यूज करना उतना कठिन भी नहीं है, काफी इजीली यूज कर सकते हो, और इसको गाइस सीएस के अंदर ऑलमोस्ट 80-90% बंदे यूज करते हैं, तो अगर आप भी इसको यूज करोगे तो बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा। एट द एंड अगर हम लोग बात करें उनके बारे में जो कि डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनको कौन सा एबिलिटी यूज करना चाहिए, या फिर अगर आप लोग अपनी टीम के ऑलराउंडर हो तो आपको कौन सा कैरेक्टर यूज करना चाहिए, तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है गाइस के कैरेक्टर, जो कि लॉन्ग रेंज के अंदर तो यूजफुल है ही, साथ में अगर आप लोग चाहो तो इसको शॉर्ट रेंज के अंदर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसका जो काम है वो है एचपी रिकवर करना है, जो कि शॉर्ट रेंज के अंदर भी काम आता है और लॉन्ग रेंज के अंदर भी काम आता है। तो अगर आप लोग अपनी टीम को लॉन्ग रेंज से कवर देते हो तो तब भी आपका ये जो एबिलिटी है वो काम आने वाला है, और साथ ही में अगर आप लोग रसर हो तो भी आपका ये जो एबिलिटी है वो काम आने वाला है। तो अगर आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको कौन सा एबिलिटी यूज करना चाहिए, तो के कैरेक्टर एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, आप इसको यूज कर सकते हो, और साथ ही में अगर आप लोग एक ऑलराउंडर हो, मतलब कि कभी कभार आप लोग शॉर्ट में फाइट लेते हो, कभी कभार लॉन्ग में फाइट लेते हो, तो उस केस
में आप लोग के कैरेक्टर के एबिलिटी को यूज कर सकते हो, ये आपके लिए काफी बढ़िया चॉइस हो सकता है। और के अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है ऑलराउंडर के लिए, वो है गाइस वुकोंग कैरेक्टर, जिसको मैं भी यूज करता हूँ, क्योंकि भाई इसको मैं शॉर्ट रेंज के अंदर रश करने जाता हूँ तब भी यूज कर सकता हूँ, और लॉन्ग रेंज से अगर कवर दे रहा हूँ तो वहां पर भी ये जो एबिलिटी है वो यूज हो सकता है। तो अगर आप लोग भी अपनी टीम के ऑलराउंडर हो या फिर आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको कौन सा एबिलिटी यूज करना चाहिए, तो आपके पास दो ऑप्शन है, के और वुकोंग। इन दोनों में से आप लोग किसी भी कैरेक्टर को यूज कर सकते हो, दोनों कैरेक्टर से आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो ये थे गाइस वो एक्टिव कैरेक्टर्स जिनको आप लोग सीएस रैंक के अंदर 2023 के अंदर अपने रोल के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, और इनको अगर आप लोग यूज करते हो तो भाई आपको डेफिनेटली बेनिफिट्स मिलेंगे। तो अब आप बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप इनमें से कौन सा कैरेक्टर यूज करने वाले हो और आपका रोल क्या है। बाकी आज का ये वीडियो ये तक, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर देना हमारे ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।